मैं देख लेता हूँ। हाँ 13 नंबर है। तो यहाँ से आप लोग समझो थोड़ा सा बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से। ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा कम तो नहीं है, सही है ना? देखो यहाँ पे समझो, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.2। क्या पढ़ना बच्चा लोग? एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है, जिसे हिंदी वाले कहेंगे प्रश्नावली, हाँ, या अध्याय, जो भी तुम्हारी किताब में दिया हो 2.2। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा? चलो बुक लिए हो। पता नहीं कौन ना, मतलब मैं क्या बोल दूँ इनको, ये जब क्लास शुरू हो जाएगी तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वीडियो कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, मतलब एकदम हद कर देंगे, कि मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं कौन नालायक है। मुझे कमेंट नहीं दिखता ना, कॉल करने लगता है तो मेरा कमेंट रुक जाता है। चलो देखो समझो, प्रश्नावली 2.2। तो बच्चा लोग जिनके पास तो किताब है वो तो किताब में क्वेश्चन देखें, और जिनके पास किताब नहीं वो हमें देखें, हाँ हाँ दोनों में से एक काम करो। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। बहुपद का दिया भैया, बहुपद को बच्चा बोलते हैं पॉलिनोमियल। हाँ इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सीख जाऊँ, जिससे शादी ब्याह हो जाए। हाँ चलो, इस पे क्या करना है, आपके बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दिख रहे होंगे, तो बच्चा हो, बाबू हो, राजा हो, इसमें जो 3 पार्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यक्स बराबर 0 रखने पर इसका मान ज्ञात करो। दूसरी कंडीशन में यक्स बराबर -1 रखने पर इसका मान ज्ञात करो। मतलब आपको 3 कंडीशन दिया गया, तीनों चलो मैं एक एक ट्राई करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। इसमें से कोई ऐसी महान आत्मा है जो इस प्रश्न का जवाब पहले दे दे? अरे काठी तो होबे करेंगी, ये ऐसी आत्माएं रहती हैं, कहीं कहीं भटकती रहती हैं। हाँ नहीं है का? तुम सब लोग महान हो। चलो फिर यादव जी, दांत बहुत निकल रहा है, मंजन मंजन कर लियो मुझे लग रहा है। हाँ चलो देखो, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x=0 रखने पर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे पुट x=0। मैं फिलहाल हिंदी में लिखूंगा, ठीक है? यक्स बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर बच्चा क्या करोगे आप, 0 रखोगे, तो ये हो जाएगा 5 × x, x की जगह पे 0 - 4, और इसकी जगह पे क्या, 0, मतलब 0 का क्यूब, स्क्वायर। देखो बच्चा, 2 घात लगी होती तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, 3 घात लगी होती तो क्यूब बोलते हैं, ठीक है? और +3, देखो शून्य ना एक ऐसा बिगड़ा हुआ औलाद है, 0 एक ऐसी बिगड़ी हुई औलाद है कि जिसके साथ मिल जाती है उसको बर्बाद कर देती है। इसमें से भी कुछ ऐसी औलादें हैं जो कमेंट कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। तो जब 0 का 5 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। अभी इसके पीछे की कहानी बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा रुके रहो। और ये माइनस, देखो बच्चा इसमें 1 0 है ना, इसका गुणा भाग हो रहा है कुछ ना कुछ ना, ये लास्ट में 0 को सब खत्म कर देगा, फाइनल में ये भी 0 हो जाएगा जो इतना मोटा बड़ा दिख रहा है। लास्ट में क्या बचेगा, 83 बचेगा। देखो 3 इनकी फैमिली से अलग है, 3 इनकी फैमिली से अलग इसलिए है क्योंकि इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये 0 नहीं होने पाएगा, मतलब बीच में एक रोक लगी है। हाँ तो इस तरह से ये 0 0 से कोई मतलब है नहीं, फाइनल में 3 बचेगा। अब चाहे तुम प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, जो उत्तरमाला मिलाने वाले हैं हमारे सुपरस्टार वो मिला के बताएं उत्तरमाला मिल रहा है कि नहीं। देखो बच्चा उत्तरमाला मिलेगा, पूरी किताब में उत्तरमाला मैच करेगा एनसीईआरटी से, लेकिन जब परिमेय संख्या पढ़ोगे तो रेफरल नंबर में उत्तरमाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जिसका उत्तरमाला निश्चित नहीं होता है, ठीक है? संजीव कुमार, अदिति गुप्ता, राहुल यादव, नाव्या गुप्ता, कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, जिनका नाम ले रहे हैं वो कैसे इनको जानते हैं। देखो हम सबको जानते हैं, बस ऐसे नज़र घुमाते हैं, इधर कमेंट आ रहा है, कमेंट तो 180 की स्पीड में जा रहा है, किसी का पढ़ लिया तो पढ़ लिया। चलो ये पहला हो गया बच्चा, ठीक है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्या आएगा, 3। दूसरा, सेकंड पार्ट पे आ जाओ बच्चा, x=-1,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, x का मान अगर इसमें -1 रखें तो क्या कोई इतना अच्छा बच्चा है जो मुझे उत्तर बता देगा x का मान -1 रख के कितना आएगा? प्रदीप जी कुछ समझ में आ रहा है? साक्षी यादव समझ में आ रहा कि नहीं? भाई बोले रहो कुछ हाँ नहीं, कम से कम जानू मैं कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। हाँ इसका तिसरको लिख लो तब फिर हम आगे करें। तिसरका पार्ट में है बच्चा x=2, ये तीनों करने हैं, पहला मैंने कर लिया, अब यहाँ पे समझो। सेकंड पार्ट में क्या करना है बच्चा, x का मान -1 रखना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, अब कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा, पुट x=-1। हिंदी मीडियम वाले गाली नहीं देंगे, वो लिख लेंगे x=3 रखने पर। हाँ नहीं तो कहें ससुरा इंग्लिश बाज होगा हमार, हिंदी में नहीं बताओ। x=-1 रखने पर तो ये हो जाएगा 5, और x की जगह पे -1 रखोगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है? उसके बाद में -4, और x का स्क्वायर का मतलब बच्चा -1 का स्क्वायर +3। इसको हल करके मुझे बताओ कितना आएगा। ये व्हाट्सएप पे कोई नालायक बहुत देर से कॉल कर रहा है, उसकी खुजली मची है, मैं उसको ब्लॉक करके तो आता हूँ। हाँ रुक जाओ, या तो मैं फ़ोन करके इसको बता दूँ या फिर मैं क्या करूँ। हाँ चलो आगे बढ़ें, ठीक है? तो बच्चा इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से समझो, समझो थोड़ा से। 5 का जब -1 में गुणा करेंगे, एक चीज़ आप समझ लो, मैं यहाँ पे बताऊँ या कहाँ पे बताऊँ? अच्छा दिख तो रहा है ना वैसे, क्लियर हो रहा है ना? मैं इसको लगाए रहूँ नहीं, मेरे लिए खतरा है। तो -1 इसका जब मल्टीपल होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसका कहानी थोड़ी सी लंबी है, ये माइनस प्लस कैसे हो जाता मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, पहले तो क्वेश्चन करवा दूं, फिर मैं इसका आपको पूरा फंडा बताऊंगा, ठीक है? फिर मैं आपको पूरा फंडा इसका बताऊंगा। ये -1 का स्क्वायर देखो, अगर कोई भी गिनती माइनस में है और उसका अगर स्क्वायर होता है तो उसका जो आंसर है वो प्लस में आता है। क्या आता है? प्लस में आता है, मतलब उसका स्क्वायर हो गया तो उसका माइनस चिन्ह जो वो ख़त्म हो जाता है। वैसे ही होता जैसे आजकल की राजनीतिक पार्टियों में जो बहुत ही गंदे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, वो अपनी पार्टी छोड़ करके सरकार जिसकी है उसकी पार्टी में चले जाएं तो उतर जाते हैं। हाँ सेम वैसे ही ये होता है, समझ रहे हो ना? उनकी सारी गलतियाँ, उनकी सारी कमियाँ सब दूर हो जाती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मुझे इसमें कमेंट देखना पड़ता है। हाँ कमेंट देखना पड़ता है तो ये दिक्कत पाल देते हैं मेरे लिए ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे क्या मिला कि भैया हो जो इसका स्क्वायर होगा तो उसका मान 1 आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन ये दादा पहले से माइनस में है। हाँ ये चच्चा पहले से माइनस है, तो क्या होगा? तो होगा क्या फिर, देखो समझो, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, फाइनल में कुल मिला के जो आएगा वो माइनस में ही आएगा और प्लस का 3। अच्छा एक बात बताना सभी, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सौर्य अवस्थी अगर नहीं आएगा तो मैं इसको अभी थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। चलो तो बच्चा अब यहाँ पे एक कहानी बन रही है कि प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है? समझ रहे हो ना? प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है। तो भैया ये दोनों ना जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये माइनस है ये माइनस है। हाँ समझ रहे हो ना, इनमें कोई समानता होनी चाहिए, तो ये जुड़ के 9 हो जाएंगे और ये प्लस का 3। फाइनल में जो आएंगे भाई साहब बाबू, इनमें आएंगे -6। ये बताओ इसका उत्तर -6 आ रहा कि नहीं? अनुराग जी बहुत अच्छे, राजीव, कल्पना वैभव, पूजा कुमारी, व्हाट्सएप यादव, आपको तो बिल्कुल नहीं आएगा, संभव ही नहीं कि आपको समझ में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो देखो इसमें भाई कुछ लोग बूढ़े लोग जुड़े हैं, 180 साल वाले, तो उनको समझ में नहीं आएगा तो हमारी गारंटी नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया, मिटाएं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसको, ठीक है? जैसे हल हो जाए तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, जिससे कि लिख सको बाद में आराम से धीरे धीरे। हाँ पानी पी पी के, नहीं तो वैसे तो मैं मिटा दूंगा तो तुम लिख पाओगे नहीं। अब x का मान 2 रख के निकाल लो, सभी बताओ, मैं नहीं करूंगा। चलो मैं देखता हूँ कौन कौन बताता है। मनोज सिंह,
एक्स का मान दो रख के मुझे इसका मान बताओ, हर कोई बताया नहीं, एक थप्पड़ मारूंगा खींच के, जान लो, चलो जल्दी बताओ। एक्स का मान दो रख करके बताओ। प्रियंका, इनका भी दूसरा क्या आ रहा है? दादी इतना पीछे काहे हो तुम, हाँ इतना पीछे रहने से कहाँ से काम चलेगा। कपिल, मनु राजपूत, पूजा कुमारी, अंशिका पटेल, रतन समोटा इनका नाम है, हम समोसा बोल रहे थे। ठीक है अच्छा है। टेक्निकल शर्मा जी, ठीक है, कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। देखो बहुत से लोग माइनस बता रहे हैं, हम भी उत्तरमाला वाला मिला लें, कहा कितना आ रहा है। कर लो बच्चा, कर लो। चिराग पटीदार, बेटा तुम्हारा तो कबो नहीं आने वाला है, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम केवल दूसरे काम करते हो। हाँ तो यक्ष का मान अगर दो रखोगे, ईमानदारी से करोगे, बिना बेईमानी, तो माइनस तीन आएगा। कितना आएगा बच्चा? जिनका माइनस तीन आ रहा उनका सही है, और जो गधे चार लिख रहे हैं, पाँच लिख रहे हैं, आठ लिख रहे हैं ना, वो वैसे मजा ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। माइनस में तीन आएगा, माइनस का तीन आएगा, ठीक है। तो भाई साहब, बाबू साहब, ये आपका हो गया ख़त्म, पहला क्वेश्चन ख़त्म, हाँ क्वेश्चन ख़त्म, पैसा हजम, अब अगले में चलो बढ़ो। उपासना अवस्थी, बहुत अच्छी बात है कि आप लेट हो गई, महान आत्माएं जो होती वही लेट होती हैं, बाकी छोटे मोटे आदमी लेट नहीं होते। चलो ये हो गया ख़त्म। अब एक बात बताओ मुझे, किसके किसके पास में किताब है? भाई देखो एक चीज़ मैं बता दूँ बच्चों, यहाँ पे हम कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे कि जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर देना, मुझे 10 मिनट का वीडियो बनाना है, मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है, विस्तार से पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है। तो आप लोग ये बताओ किताब उताब लिए हो कि नहीं? भाई देखो किताब कापी लेके बैठोगे तो खोपड़ी में थोड़ा बहुत घुसेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, जिसके बाल छिला दो, जिसके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, खोपड़ी के बाल छिला दो, आधा लीटर तेल सुबेरे ठोका करो, सरसों वाला, इस समय तो तेल भी महंगा हो गया जिनको खरीदना है। हाँ दिमाग धीरे धीरे ना, तेल पड़ेगा ना तो वो घूमेगा, और घूमेगा तो फिर आने लगेगा। तो सभी किताब लिए हो? तो बच्चा किताब लिए हो तो सुनो ना, बता रहा हूँ सुनो। देखो किताब लिए हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का NCERT मैथ चल रहा है, यहाँ पे लिख दूँ, देखो राइटिंग वाइटिंग अच्छी बन रही कि नहीं। NCERT जाने दो, चलो उसके आगे जान गए तुम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? हाँ देखो एक बड़ी आफत ये है कि कुछ बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि सर कौन सा बोर्ड पढ़ाते हो, उनके मार परेशानी बड़ी रहती, फ़ोन करते हैं कौन सा बोर्ड पढ़ाते हो, कौन सी किताब पढ़ाते हो। तो बेटा देखो मैं तुमको एक बात बता दूँ ना, अगर मैथ में 2 में 5 जोड़ोगे तो 5 × 2 = 7 होगा ना, ये 7 यूपी बोर्ड में भी होगा, CBSE में भी होगा, बिहार बोर्ड में भी होगा, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, हर किसी के बोर्ड में उतना ही होगा ना। तो मैथमेटिक्स में वैसे है, जो आपका पैटर्न मतलब पैटर्न है, जो सिलेबस है वो सेम होता है हर जगह के लिए, बस कहीं कहीं क्वेश्चन जो आपके इक्वेशन दिए गए हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बस कहीं कहीं आपका चैप्टर बदल जाता है। मान लो यहाँ पे मैं 2.2 बता रहा हूँ और फलाने को दूसरी किताब ले हैं उनके में ये 5.1 में है, तो चैप्टर आपका आगे पीछे हो सकता है लेकिन है सब वही, समझ रहे हो ना। इसलिए पढ़ो पूरा ईमानदारी से, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ ये मुख्य NCERT से मैं पढ़ाता हूँ, जो केंद्र सरकार की NCERT ऐसा मान लो होती है, ठीक है, मतलब मेन NCERT। मेन का मतलब जानते हो, कुछ राज्य स्तर पर NCERT होती हैं, तो ये राज्य वाली नहीं है, क्योंकि हमें पूरे देश के बच्चों को पढ़ाना है, केवल एक राज्य नहीं कि मैं यूपी वाली ले लूँ, यूपी की NCERT या फिर बिहार की NCERT, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जो बच्चे CBSE बोर्ड पढ़ते हैं वो देखेंगे तो उनका क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करेगा, CBSE बोर्ड के बच्चों से क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा, उनकी लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है, बाकी इक्वेशन वही है, मिला लेना जो CBSE वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखें, समझो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P(0) एंड P(1) एंड P(2) ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? बहुपद को इंग्लिश में पॉलीनोमियल बोलते हैं, जो CBSE वाले उनको मालूम होगा क्योंकि वो हिंदी नहीं समझते हैं, हाँ CBSE वाला के अलग है, दुनिया रहती है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है भाई, समझो यहाँ से, मुझे लग रहा है लाइट कुछ ज़्यादा है, काम ज़्यादा गोरे दिख रहे हैं, का लाइट ज़्यादा है मतलब चमक रहा होगा ज़्यादा आप लोगों को, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि लाइट ज़्यादा है,
वैसे मैं इतना सुंदर हूँ नहीं जितना सुंदर दिख रहा हूँ। हाँ अरे ये कैमरा कमाल है जो इतना अच्छा दिख रहा हूँ। चलो देखो समझो, थोड़ा मैंने कम किया, देखो मैं असली भेस में आ गया ना अपने, हाँ काला काला दिखा भूत जैसे ना। समझो इधर देखो, तो क्वेश्चन क्या है। हाँ एक चीज़ समझो, ये ऐसे लिखा होता है ना, इसे पी ऑफ जीरो बोलते हैं। हाँ कहीं किसी से क्वेश्चन वोश्चन बताना तो पढ़ लेते हैं ना, कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते समय रुक जाते हैं, ये कहाँ है, हाँ इसका नाम नहीं पता उनको। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं पी ऑफ जीरो। अगर ऐसे लिखा है तो पी ऑफ एक्स, ठीक है बोलना तो सीख लो कम से कम मैथ आए या ना आए। और अगर इसको देखें, ये पी ऑफ के, यानी आपको ऑफ लगाना है बस, उसका नाम बोल देना जो अंदर में बंद है, समझ गए ना। तो बच्चा इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा कि पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू ज्ञात कीजिए। और जो इक्वेशन दिया गया है, अब मैं इसका हिंदी नहीं लिखूंगा, एक बार पढ़ दे रहा हूँ फिर से सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या दिया है दादा, ये दिया है वाई का स्क्वायर माइनस का वाई, और माइनस का वाई के बाद प्लस का वन। इसका क्या निकालना है, पी ऑफ जीरो निकालना है। देखो इसका मतलब समझो भैया, ये पी ऑफ जीरो का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ वहाँ पर शून्य ला के ठूस दो, हाँ बस होएगा। अंश, प्रियंका भाई सावधान रहो तुम दोनों, हाँ वैसे मैंने नाम दोनों बोला इकट्ठा, दोनों कमेंट भी इकट्ठा दिख गया मुझे, और मैं समझ भी गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, जो लोग चैटिंग कर रहे हैं ना, हाँ पूजा तुम कहाँ से हो, तो पूजा भी कम नहीं है, वो भी बता रही हैं हाँ मैं यहाँ से हूँ, हाँ तो मैं ये सब देख रहा हूँ। समझ लो, पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। चलो जीरो, जीरो का मान रखोगे, जीरो कहाँ रखोगे वाई की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जीरो प्लस का वन। तो ये फाइनल में कितना हो जाएगा बच्चा, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का जीरो प्लस का वन। तो आप कहोगे कि पी ऑफ जीरो इक्वल क्या आएगा, वन, क्या आएगा वन, ठीक है। क्यों भाई कुछ मुझे अजीब टाइप का नहीं लग रहा है क्या ये, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो अरे एक के जगह पे जीरो रख दिया, वन हो गया ना। देखो बच्चा एक एक पार्ट में तीन तीन पार्ट हल करना है, समझ रहे हो ना, एक एक पार्ट में तीन तीन हल करना है। हमने यहाँ पर अभी पी ऑफ जीरो निकाला है, ठीक है, अब हमें इसी इक्वेशन में, सेम टू सेम इक्वेशन में, सेम टू सेम सॉरी इक्वेशन नहीं, इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, हाँ एक प्रकार से बहुपद है ये। तो इसमें अब हमें क्या निकालना है, पहले तो ये क्वेश्चन वाला लिखा था तब बताइए, रुका पी ऑफ वन निकालना है, इसका कोई मान बताएगा, सोनम राय ठीक है, कमेंट आ रहा है आपका, ठीक है अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए आदेश यादव, अंशिका, राजीव, आदित्य, प्रशांत पटेल, ये बच्चा सुनो, हम ऐसे इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि हम भर बढ़ाए जाएंगे। तुम पहले क्लास को लाइक करो सभी, चलो तुरंत लाइक करो एक मिनट के अंदर, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं, टाइम बिताओगे ना तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक ना, इसलिए टाइम नहीं बिताओ, तुरंत लाइक कर दो फटाफट। जितने भी नए मेहमान आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी करो, फिर मैं पी ऑफ वन निकाल के बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी करो भाई, जल्दी करो ना, करोना करोना बोलने से कोरोना निकल रहा है, क्या जमाना आ गया है, हाँ अब मैं तो लाइक करने को बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ ना, लाइक करो ना, लाइक करो ना, तो लास्ट में कोरोना आ रहा है। चलो ठीक है, कर रहा हूँ भाई जल्दी फटाफट, मैं देख रहा हूँ जो नहीं कर रहा, जान लो रात में सपने में भूत बन के आऊँगा जो नहीं कर रहा है, फिर मैं पूछूंगा कि काहे नहीं करे थे बेटा तुम, जल्दी करो जल्दी, देर नहीं। और हाँ जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं ना, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें तो वो भी कमेंट कर पाएंगे, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, जल्दी करो फटाफट। चिराग पटीदार बेटा तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम ना मेरी नज़र में कई दिन से चुभ रहे हो, क्योंकि तुम बड़ा कूजरा कचरा भेजते रहते हो, हाँ कबो इमोजी भेज दोगे, कबो डिब्बा भेज दोगे, कबो बाल्टी भेज दोगे, मैं तुमको देखता रहता हूँ रोज।
बंटी सिंह कौन गलत आंसर दे रहा है? हाँ कौन है गलत आंसर दे रहा बे? हाँ ऐसे पढ़ोगे? रुको बताता हूँ मैं इन लोगों को, ठीक है रुको चलो इधर पहले इसको कर लेते हैं तब इनका बताते हैं। देखो बच्चा पी ऑफ वाई वन निकालेंगे ना, इसमें जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ वहाँ पर वन रखोगे, ठीक है तो वाई का स्क्वायर है मतलब ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई की जगह पे वन और प्लस का वन, फाइनल में ये वन का चाहे जितनी बार स्क्वायर करो, हाँ जैसे कोई टीवी का मरीज हो उसको चाहे जितना घी पिया दो वो टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, मोटाएगा नहीं, जैसे मैं हूँ ना देखो पतला दुबला हूँ ना, तो वैसे जो वन है इसकी घात चाहे जितना लगा दो, ये चाहे इसका 213 घात लगा दो, 2011 घात लगा दो, कितनी भी लगा दो इसका मान एक का आएगा, कितनी बड़ी घात लगा दो लाखों में लगा दो इसका मान क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। तो उसी तरह से इसका दो घात है तब भी ये वन ही आएगा, और माइनस का वन प्लस का वन। देखो बच्चा जो एक जैसे होते हैं ना उन्हीं में मित्रता होती है, देखो इसमें कुछ हैं जो बिल्कुल नालायक टाइप के हैं और वही लोग चैटिंग कर रहे हैं ना, जो अच्छा पढ़ने वाला वो चैटिंग नहीं कर रहा है। तो वैसे इसमें है जो प्लस प्लस है वही जुड़ेगा और जो प्लस नहीं है वो नहीं जुड़ेगा, घट जाएगा, ठीक है। तो भैया ये प्लस वन है ये वन है तो ये जुड़ के टू हो जाएगा, और बीच वाला ये सीधा साधा है इसको किसी के साथ जुड़ने का मतलब नहीं है, ये माइनस का वन, फाइनल में क्या आएगा वन आएगा, आगे जगह है तो आगे लिख देता हूँ, चलो कितना आएगा वन आएगा, ठीक है कर लो बच्चा कर लो कर लो कर लो फटाफट, ठीक है। सौरभी प्रजापति भाई, सौरभी जी आपको तब आएगा जब आप रेगुलर क्लास देखोगी ना, हाँ ये मामा के यहाँ भंडारा थोड़ी है कि एक दिन आ गई मिल गया लेगी प्रसाद चली गई, रोज आके पढ़ो तब आएगा ना, एक दिन में नहीं आएगा। चलो देखो जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे उनको नहीं आ रहा होगा, और एक बात ये भी समझ लो बेटा कि पिछली क्लास नहीं देखे हो तो उसे देख लो, चैनल पे पड़ा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में तीन मान निकालना था, क्या क्या निकालना था, पी ऑफ वन पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन, मैंने दो निकाल दिया, पी ऑफ तीन निकालना, इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये लो। क्यों भैया यही तो निकालना था ना, अबे तीन नहीं था दो था, ये दो था दो, ठीक है। चलो तो जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ वहाँ पर आप दो रखोगे, इसका स्क्वायर हो गया माइनस इस वाई की जगह पर दो और प्लस का वन, फाइनल में आपका ये चार हो गया माइनस का दो और प्लस का वन। इस तरह से आप प्लस प्लस ऐड करोगे, मैंने कई बार बताया है जो जो नंबर पॉजिटिव हैं वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये चार एक पाँच माइनस दो फाइनल में आएगा तीन घटाओगे, ये आपका आंसर हो गया। जैसे मैंने अभी बताया था ना जो नालायक नालायक टाइप के हैं वही जुड़ेंगे, जो अच्छे वाले हैं उन्हें जुड़ेंगे, तो ये फोर और वन एड हो गया फाइव हो गया, बात समझ में आई ना, समझ में आई ना। यहाँ इसको ऐसे समझ लो जो समान समान चिन्ह हैं वही जुड़ते हैं हमेशा, इसको तुम ऐसे भी कंपेयर कर लो, इसमें कुछ बच्चे बात कर रहे हैं कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं वो आपस में जुड़े हैं उनका मतलब पढ़ाई है, जो नहीं पढ़ने वाले वो चैटिंग कर रहे हैं क्योंकि नहीं पढ़ने वाले आपस में जुड़ गए, हाँ पढ़ने वाले आपस में जुड़ गए, तो बस ऐसे समझ लो। चलो बाकी अभी आप छोटे हो तो आपको यहाँ पे और कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, रात में 9 बजे वाली क्लास में देखो ना तो बहुत भयानक एग्जाम्पल देते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर छुप जाता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा हूँ का भाई, मेरी भी फ़ोटो ले लेना, हाँ स्क्रीनशॉट में मेरी भी फ़ोटो आनी चाहिए थोड़ी सी, देखो आ गई। अब यार तुम लोग खींचोगे ही नहीं तो हम खड़े रहेंगे का दिन भर। चलो देखो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया ना, कितना हो गया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला हो गया, सेकंड भी ऐसे करना है, थर्ड भी ऐसे करना है, फोर भी ऐसे करना है, ऐसे सब करना है। तो चलो मैं दो चार ठीक करवा देता हूँ उसके बाद फिर तुम लोग से करवाता हूँ। देखो भैया अगर हम एक क्वेश्चन बताएं तो आप दो क्वेश्चन करो, हाँ एक बताएं तो दो करो तब अच्छा होगा। अगर तुम सोचो कि मास्टरवा सब लिख दे तो हम उतार ले तो बच्चा फिर कुछ होए होए ना, समझ रहे हो ना लक्ष्मी वर्मा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं। अभी कल परसों में एक बच्चे का फ़ोन आया तो मैं ही उठाया संयोग से, तो कह रहा है आप गणित के मास्टर बोल रहे हैं, हमने कहा नहीं मास्टर तो हम नहीं बोल रहे भाई,
तो कह रहा नहीं मैंने आपका वीडियो देखा है, यूट्यूब से नंबर लिया है। हम बोले चलो ठीक है, बहुत तुम तेज बोल रहे हो, मैं डर रहा हूँ तुमसे। फिर मैंने रख दिया, बाद में अपना कॉल वॉल किया होगा, फिर बात किया होगा किसी से। लिखो 2+t + 2t² - अगला लिखो t³। इसमें क्या करना है भैया, इसमें भी आपको तीनों निकालना है, p(1) निकालना है, p(0) निकालना है, p(2) निकालना है। हीना साहू कुछ समझ में आ रहा है? हाँ कुछ बुझा जा रहा है कि नहीं? उमा राजपूत, गीता मौर्य, धोनी गुप्ता, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतना सुंदर सुंदर बच्चे जुड़े हैं ना कि वो पढ़ नहीं रहे, सिर्फ बात ही कर रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ, किसी भी चीज़ में बन जाओ, ठीक है। चलो तो देखो हमें क्या क्या निकालना है भाई, इधर साइड में मैं लिख देता हूँ। p(0) निकालना है, p(1) निकालना है, दिख रहा है ना, एंड p(2) निकालना है। ये तीन निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, p(0), कुछ लोग नहीं सुन पा रहे होंगे, p(0) ये इनका नाम है चचा का, छोटे वाले का। हाँ चलो, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मनीष मानी, बच्चा देखो हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं है कि मैं तुमको हर चीज़ का PDF बनवा बनवा के दूं और तुम बैठ के आराम से लेते जाओ। हाँ समझ रहे हो ना, अभी कोर्स लेने को कहेंगे, 5 रुपया जमा करने तो दादी मरने लगेंगी। तो तू बेटा क्या हम करो ना, लिखो कॉपी में खुद से और PDF बना लो। हाँ पढ़ा तो मैं रहा आई हूँ बस। अब तुम कहोगे मैं लिख के नोट्स भी दे दूँ, फिर अगले दिन कहोगे गुरु जी हमारा पेपर दे सकते हो, कहा जुगाड़ लगाएं, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ ऐसे एक दिन ठीक फोन आया था, वो बताऊंगा बाद में, चलो आगे। वो कह रहा था गुरुजी जितना पैसा लगेगा हम देंगे, बस हमारा बिहार बोर्ड में आप अब की बार निकलवा दो बस। हम कहे बेटा देखो तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तुम कहीं और संपर्क करो। समझो p(0) निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ पर टी है, टी फॉर टेबल, वहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये t की जगह पे 0 प्लस ये 2, इस t की जगह पे 0 का स्क्वायर और माइनस इस t की जगह पर 0 का क्यूब, बस इतने तो करना था हमें, ठीक है। ललित मीना, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, आग लगा दो, ठीक है। तो ये 2+0 और ये प्लस, देखो बच्चा 0 का स्क्वायर करोगे 0 होगा। हाँ सांप का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, असर उतने करता है। हाँ तो वैसे ये है भाई, चाहे जिस भी दशा में हो, अगर बीच में प्लस या माइनस नहीं है तो सब मिला के 0 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0, और माइनस ये भी 0 हो जाएगा। इसकी चुरकी पे चाहे जितनी घात लगा दो कोई मतलब नहीं है। सेम वैसे जैसे कोई इंसान मर जाए तो उसे चाहे जितना कुछ खिला पिला दो कुछ होने वाला है नहीं, तो वैसे ये 0 है, इसकी घात चाहे जितनी लगा दो, जितनी भी लगा दो कोई मतलब नहीं, वो 0 ही रहेगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 0। भैया ये सब जब 0-0 है, इनके आगे पीछे कौनो है ये नहीं है, तो ये केवल दो ही बचेगा बस। समझ गए ना सभी? पंकज यादव समझ में आ रहा है? पंकज का भाई 2-4-4 आ रहा है। और कोई निकाला? हाँ अच्छा ठीक है। अब ये बताओ तुम सभी, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, एक एक बच्चा बताओ p(1) क्या होगा। जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर 1 रखोगे। सभी बच्चे तुरंत करके दिखाओ, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और 2 मिनट भी ज़्यादा है, जल्दी करो बेटा, देर ना करो। हाँ जल्दी करो, p(1) का मान बताओ आप सभी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ। चलो जल्दी करो, फटाफट बोल दो भाई, बोल दो जल्दी से। और हे सुनो दादा, क्लास वाले के लाइक करें, जो क्लास को लाइक नहीं किए भाई तुरंत लाइक कर दो फटाफट। अरे यार पहुंचा दो 300-400 लाइक, गरीब आदमी को भी कुछ आगे बढ़ाओ ना। चलो जल्दी करो फटाफट, चलो तुरंत करो तुरंत। खच्चर भाई, खच्चर का उत्तर आ गया, बहुत अच्छे, इनका नाम खच्चर है, कितना सुंदर है, मैं बार बार बोलूंगा इनका नाम। ईशांत सिंह, बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है।
हिमांशु वर्मा, गीता मौर्य, अतुल संतोष, सुरेश, मनीषा, दिलीप, तनु, राज, कल्पना, जुंगी, जंगली, सबका कमेंट आ रहा है। चलो ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, ओके है बिल्कुल। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, ठीक है। तो बच्चा इसका मान 1 अगर तुम रखोगे, देखो मैं इसको लगाया तो हूं नहीं अभी, तो मुझे मालूम है नहीं कहाँ आएगा। देखो मैं बता देता हूँ, 1 रखोगे क्या आएगा, ये 2 तो 2 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। इस पे 1 रखोगे तो ये 1 का मल्टीपल करोगे, कुछ नहीं होगा, 1 ही 1 रहेगा, 2 में गुणा होगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनल में क्या आएगा, मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, जैसे मैं बताया हूँ ऊपर वाला वैसे तुम कर लोगे। देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस ये 2 और माइनस ये 1, बस इतना आएगा। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 में से 1 गया 4, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। क्या होगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। प्रशांत जी ठीक है, मंदाकिनी सूर्यवंशी, समझ में आ रहा बच्चा? अब भाई पता नहीं बच्चा हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बच्चे ही हो, क्योंकि 9th की क्लास चल रही, इसमें कभी कभी बहुत से गार्जियन भी पढ़ते हैं तो उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम सबको बच्चे समझ के ही यहाँ पे बताते हैं, हाँ क्योंकि हमारे अधिकांश तो स्टूडेंट ही होते हैं। चलो तो ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई गार्जियन भी देख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा लाज शर्म के साथ बोलना पड़ेगा भाई, अगर गार्जियन देख रहे होंगे, अगर सिर्फ बच्चे बच्चे देख रहे हैं तब तो अलग बात है, हाँ नहीं कहेंगे ये बहुत गड़बड़ आदमी है। हाँ हो गया, मिटाएं। चलो तो पी ऑफ 2 निकालो, कोई पी ऑफ 2, पी ऑफ 1 हो गया ना, 0 भी हो गया, अब आप लोग 2 निकालोगे, पी ऑफ 2। चलो भाई 2 निकाल के बताओ मुझे कोई, यानी 2 रखना है आपको, जहां जहां टी है वहां वहां पे क्या रखना है, 2 रखना है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे समझो आप लोग हैं, कई लोग मुझे पता है, चलो ठीक है अच्छी बात है। देखो हम भाई, हमारा ये उद्देश्य होता है ना कि बच्चे बोर ना हो, बच्चों को नींद ना लगे और बच्चों को मजा आए, इसलिए मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। चलो नहीं तो बच्चे पढ़ना कहाँ चाहते हैं, ये पढ़ना थोड़ी चाहते। पी ऑफ 2 का मान निकालो कितना आएगा, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे 2 रखना है। मसूद वर्मा, मसूद आरम, सॉरी भाई वर्मा जी नीचे थे उसमें आ गया थे। लीजेंड गॉड गेमिंग, आदित्य, मिस्टर परफेक्ट, शिवम, तनु, पवन, उमा, ठीक है। चलो तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे हमें 2 रख देना है। ये 2 तो पहले से ही था, इस टी की जगह पे 2 रख दिया, इसकी जगह पे ये 2 ऐसे ले लिया, और टी का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ऐसे काहे रहेगा, पहले ऐसे ही रहने दो इसको। अभी देखो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 के 2 में गुणा करोगे 8 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। गलत, पक्का गलत, ये माइनस का चिन्ह था ना तो ये माइनस ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है भैया, ठीक है ना बच्चा। अब देखो इसमें जितने जितने प्लस में नंबर हैं सभी जुड़ जाएंगे, जो जो माइनस में है वो घट जाएंगे। हाँ इसमें 2 तरीका है, चाहे तो तुम प्लस माइनस इनको काट पीट दो, ये ख़त्म हो जाए, लफड़ा ख़त्म हो जाए, सिर्फ 4 बचेगा, और चाहे तो तुम एक काम करो इन सबको जोड़ो, 8 2 10 2 12, 12 में से 8 घटाओ 4 आएगा। लेकिन सही तरीका यही है, पहले इसमें गड़बड़ी ना करो, पहले सबको जोड़ लो जो प्लस है। तो 2 2 4 8 12, 12 माइनस 8 इक्वल 4, ये सही तरीका है। अब तुम इसी में काटा कूटा कर लोगे वो थोड़ा गंदा लगता है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़े हैं नंबर तो आपको पहले काटना आसान रहेगा, बाद में जोड़ के घटाना फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया बच्चा, सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तो बड़ा आसान है, फोर पार्ट भी कर लोगे, मैं बताऊं क्या, मुझे नहीं लगता बताना चाहिए, नहीं तो ऐसे ख़त्म नहीं होगा, फिर पहले चैप्टर हम उजाई करते रहेंगे लेके। हाँ कर लोगे ना सभी? पंकज यादव भाई तुम सच में पंकज हो, कोई और हो? हाँ
अच्छा एक बात मैंने सुना है, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये शर्ट बड़ा अच्छा है, हाँ काला रंग में मेरे ऊपर अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ? अब काला काला ही हरदम पहने रहूँगा, हाँ मैंने इसलिए काला काला मास्क भी ले लिया है, जहाँ जाते हैं ना करिए करिए दिखता ऊपर नीचे। चलो हो गया ना ये, तो अब इसमें का आप लोग सारे पार्ट कर लेना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं ये मानता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया ख़त्म, आज टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि अभी एप्लीकेशन की क्लासें हैं। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें एक घंटा नहीं तीन तीन चार चार घंटे पढ़ना है, दो दो घंटे पढ़ना है, तो वो PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन में उन्हें इकट्ठा कोर्स मिल जाएगा और वो जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर से PBR स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन किस क्लास में है, भाई सभी 9th में हो ना? अच्छा ये बताओ वो क्या पूछने वाले थे, हाँ कौन कौन कहाँ से है, ये रोज़ पूछता हूँ ना, बहुत मज़ा आती है ना। आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चलती है, मतलब इलाहाबाद से, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, शहर और राज्य बताओ जल्दी से, आधा मिनट का टाइम है बस, ज़्यादा नहीं। आज की क्लास ख़त्म हो गई, कहानी सुन लो इधर, कहानी सुन लो इधर, वो कहानी ये है कि आप लोग PBR स्टडी 3.0 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ कि आपकी लाइव इसी चैनल पे होगी, इसी चैनल पे आपकी लाइव होगी, क्योंकि ये चैनल 9th-10th के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, तो मैं बार बार रोज़ इसलिए बताता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो क्लास कहीं इस पर ट्रांसफ़र हो गई तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। प्रिया शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले से हैं, सुपौल के बिहार से हैं भाई नीतीश जी, चुरू राजस्थान से स्वामी बलदास हैं, और कन्हैया लाल गुर्जर जयपुर राजस्थान से हैं, हरदोई उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार हैं, हिमांशु जी हैं, और अंकित सिंह UP 56 महाराजगंज, बहुत अच्छे वेरी गुड, प्रतापगढ़ से हैं आदित्य दुबंसी। चलिए ठीक है, बच्चे बहुत बहुत दूर दूर से हैं, 6-7 राज्यों के बच्चे जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये तो आजकल तो लोग मोबाइल में क्या फ़ायदा उठाते हैं तुमको पता ही है ना, पढ़ते कम है देखते ज़्यादा है, और क्या देखते हैं भगवान जाने। चलो फिर आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं, भाई आप लोग एक काम करो, क्लास को लाइक ज़रूर करो, ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से लाइक करो यार, देखो ऐसे मज़ा नहीं आती, अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं करोगे ना बिल्कुल दिल टूट जाता है, मतलब मन नहीं करता फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, और आप ये नहीं चाहते हो कि मैं ना पढ़ाऊँ, चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ ना, तो आप लोग इस क्लास को जल्दी से तुरंत लाइक कर दो, फटाफट देर ना करो भाई, चलो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक करो, जो लाइक करेगा उसी का नाम बोलूँगा, नहीं तो मैं बोलूँगा ही नहीं, अब मेरी दुकान बंद होने वाली है, अब मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया ओवर, समझ गए ना, अब तुम लोग सोच रहे होगे इसका क्या मतलब है, भाई देखो जो काम कर रहे थे पूरा हो गया, तो मैं ऐसे बोल दिया, चलो ठीक है, तो फिर कुछ कहना चाहते हो जनाब, बंद करते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो बच्चे फ्री में बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस सेशन को लाइक करें, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप शेयर नहीं करते हो तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में आपको क्लास ना मिले, इस बात को ध्यान रखना, जहाँ हमारी पकड़ में आए आपके आप शेयर नहीं कर रहे हो फिर आपको क्लास नहीं मिलेगी, आप कितना भी खोजोगे कुछ भी करोगे मिलने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, चलो भाई तो चलते हैं फिर आज तक के लिए इतना ही, अभी रात के 9 बजे से एक बेसिक मैथ का वीडियो आएगा छोटा मोटा, उसे देख लेना जिनको बेसिक नहीं आती है, या फिर हम लाइव भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रात के 9 बजे से बेसिक, सुबह 7 बजे से साइंस की क्लास चलती है, जो भी कक्षा 9 के बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे से बिल्कुल फ्री साइंस पढ़ सकते हैं, टाइम याद रखें सुबह 7 बजे से 7:45 तक, शाम को भी 7 बजे से 7:45 तक, सुबह भी दोनों टाइम समय वही है, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलते हैं फिर बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं ना, सैड शायरी बच्चा चलेगी, देखो अगली महीना से 1 अगस्त से कक्षा 10 वालों का सब कुछ चलेगा, ठीक है।